मेट्रो के अंदर जो जेएमडी कंपनी जो है एक बहुत भ्रष्ट कंपनी है, वो कम से कम 2000 बच्चों के साथ खिलवाड़ कर चुकी है, 2-2 लाख रुपए भी ले लिए जाते हैं। ऐसे मर मर के जीने से अच्छा है तो एक बार में मरी जाए। ब्याज के पैसे के लिए तकादा करने आ रहे हैं लोग, घर पे कर्जा हो चुका है सब लोगों पर। कंपनी में फर्जी अकाउंट इन्होंने बिना साइन के खुलवा रखे, वो रिटर्न किए जाए। परमानेंट नौकरी बताया गया था कि आपको 24,000 रुपए सैलरी परमानेंट फिक्स मिलेगी और आपको कभी नहीं निकालने। 2-2 लाख रुपए लेकर के लड़कों को नौकरी पे लगाते हैं, इनको पूरी ड्यूटी। यार हमारे जो भाई हैं वो शिकार हो चुके हैं। गृह मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से यही अपील है, इन बच्चों को न्याय मिले। 5 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पे बैठेंगे सारे भाई, हाथ उठाओ बैठेंगे। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप वो पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कंपनी जो है भ्रष्टाचार कर रही है, चोर है, इस तरीके की बातें इस पे लिखी गई। और ये सारे जो है, आप लोग कहाँ से आए और क्या करते हैं दिल्ली मेट्रो? ये सारे हमारे भाई हैं, टॉम ऑपरेटर दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो में ये लोग टॉम ऑपरेटर में टिकट बांटने का काम करते हैं। इसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जेएमडी कंसल्टेंट्स, उसके मालिक हैं योगवीर सिंह योगी जी, उसके लाइन मैनेजर है उज्ज्वल सिंह। तो ये सारा इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है दलाली का। तो इन्होंने 2-2 लाख रुपए लेकर के लड़कों को नौकरी पे लगाते हैं, उसके बाद इनको पूरी ड्यूटी नहीं देते। जो पैसे देगा जीएसटी के नाम पर 5,000 रुपये, उसको तो 5,000 रुपये देगा, उसको 26 ड्यूटी मिलेगी। जो जीएसटी के नाम पर पैसे नहीं देगा उसको ड्यूटी नहीं मिलती, उसे 8 से 10 ड्यूटी मिलती है। 2 लाख रुपये पैसे दिए हैं और सैलरी कितनी है? सैलरी 22,000 रुपये बताते हैं, वही पर डे के हिसाब से मिलती है, टोटल सैलरी 22,000 रुपये है। तो ऐसे करीब 1,000 हमारे जो भाई हैं वो शिकार हो चुके हैं। जो भी आवाज़ उठाता है इनके खिलाफ उसको ड्यूटी बंद कर देते हैं। आप लोगों को 2 लाख रुपए देके नौकरी करने की क्या जरूरत? देखो, जिसको नॉलेज नहीं होती है मेट्रो के नाम पे, मेट्रो की छवि इतनी साफ सुथरी है कि हर कोई ये चाहता है कि बता के लिया गया था हमसे, हमें परमानेंट नौकरी बताया गया था कि आपको 24,000 रुपए सैलरी परमानेंट फिक्स मिलेगी और आपको कभी नहीं निकाला जाएगा, परमानेंट रहोगे आप। इसकी बता के बोलेगी मेरे से ले, कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्लिप वगैरह मिली आपको? नहीं, स्लिप नहीं मिली। कैसे आप लोगों ने विश्वास कर लिया? मैडम हमसे आपको 26 ड्यूटी कराई जाएगी, जीएसटी नहीं ली जाएगी, लेकिन हमको 26 ड्यूटी नहीं मिल रही और जीएसटी ली जा रही है 5,000। परमानेंट नहीं है? परमानेंट नहीं है। कब बोल रहे ये लोग निकाल देंगे नौकरी से? अभी भी निकाल देंगे, हमारी ड्यूटी हटा दी गई है। जो आवाज उठाता है उसी को निकाल देते हैं। और कुछ बच्चे अभी उसी में काम करती हूं मैं, अपने बच्चे की ज्वाइनिंग के लिए 4 महीने से वहाँ चक्कर काट रही हूँ। अगर मैं पैसे दूंगी तो मेरी कल ही बच्चों की भर्ती हो जाएगी, पैसे नहीं दिए तो इसलिए अभी वैकेंसी। एक बहुत बड़ा सबक है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो बहाली होती है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप भी किसी से नौकरी इस तरीके से मांग रहे हैं कि हम पैसे देते हैं और नौकरी दीजिए, तो उसकी कोई आपको जब तक सरकार की तरफ से कोई मेमोरेंडम ना दिया जाए, कोई स्लिप ना दी जाए, गारंटी नहीं दी जाए, तब तक आप विश्वास ना कीजिए। इस तरीके से बहुत सारे मामले आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करते हैं और कुछ ही दिन के बाद निकाल दे रहे हैं। अब वो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मेट्रो जो दिल्ली मेट्रो है वो बहुत स्वच्छ सुविधा लोगों के अंदर आती है कि बहुत स्वच्छ सुविधा मेट्रो है। अब मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ, मेट्रो के अंदर जो जेएमडी कंपनी जो है एक बहुत भ्रष्ट कंपनी है, वो कम से कम 2000 बच्चों के साथ खिलवाड़ कर चुकी है, 2-2 लाख रुपए भी ले लिए जाते हैं उनसे। 1-2 महीने बाद अगर वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर उनको निकाल दिया जाता है। ऐसे 1,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो शिकार हो चुके हैं। आप लोगों ने 2 लाख रुपए दिए, उसका कोई प्रूफ है आप लोगों का? मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, उसकी स्लिप है मेरे पास 1.5 लाख। आप लोगों ने केस नहीं किया, कुछ कार्रवाई नहीं किया? मैडम कार्रवाई की, लेकिन कुछ हुआ नहीं है मेरे। तो आप लोग बोलो कि हमारे पैसे वापस दो। नहीं देते ना, हमको ड्यूटी से हटा दिया, जो कार्रवाई करता है उसको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। एफआईआर वगैरह तो करेंगे आप लोग? ऐसा है, इन्होंने एक एफिडेविट भी ले लेते हैं पैसे लेने के बाद कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, इनके हाथ भी काट देते हैं। पहले ही एक एफिडेविट ले लेते हैं ब्लैंक, और ऑफिस में जब जो ज्वाइनिंग कराता है जो इनका दलाल वो बोलता है अगर आपने ऑफिस में बोला जाके कि पैसे दे के आए तो आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं होगी। और वो चमचे, वो दलाल कंपनी के मालिक और कंपनी के मैनेजर के ही होते हैं, इनके लगे हुए थे, इनको सबको हिस्सा जाता है उसका। आप लोग देख सकते हैं कि मजबूरी जो है किस प्रकार से लोगों के हाथ पैर काट देती है। 2 लाख रुपए भी दिए और ये लोग बोल भी नहीं सकते क्योंकि इन लोगों से साइन कराया गया कि हमने कोई पैसे नहीं लिए। देख सकते हैं कि किस प्रकार से, एक तो कोरोना की वजह से लोग बहुत बेरोजगार थे और इन लोगों को लगता था कि शायद कुछ नहीं से कुछ बेहतर 2 लाख रुपए दे के हमारे पास नौकरी तो रहेगी। लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि क्यों ये सारी जो चीज़ें आप लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, उससे अच्छा नौकरी मांगिए। हम लोग देखो, नौकरी अगर आज ये भी दे देंगे ना, तो मेरी तो यही अपील है सरकार से कि इन लोगों को नौकरी अगर देते हैं तो एफिडेविट पर लिख के दें
कि जब तक मेरी कंपनी मेट्रो के अंदर रहेगी हम आपको रखेंगे। आज ये दबाव में आकर के, मीडिया के दबाव में, हमारी आवाज़ बुलंद की आवाज़ में आकर के ये दबाव में नौकरी दे देंगे, एक महीने बाद इन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम नकार कर इनको निकाल देंगे। तो हमारी ये अपील है कि इनका जो रुका हुआ बोनस है 12 साल का, जिस भी बच्चे का, सबका बोनस वापस दिया जाए। कंपनी में फर्जी अकाउंट इन्होंने बिना साइन के खुलवा रखे, वो रिटर्न किए जाएं। दूसरी बात, और इनकी सीबीआई, अगर ऐसा नहीं होता इनकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई के तो बोल रहे हैं सीबीआई बिकी हुई है सरकार के सारे पे काम। सरकार की बिकी हुई कहीं नहीं है। जब हम लोग सीबीआई से मांग करेंगे तो उनकी सच्चाई सामने। सीबीआई अच्छा काम करेगी? ये देखो जी, किसी भी चीज पे विश्वास नहीं। सीबीआई तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और किसने कहा कि सीबीआई बिकी हुई है? बहुत लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पे नाम। किसने कहा सीबीआई बिकी हुई है? हम लोग ईमानदार हैं तो हम लोग नहीं कह सकते कि सीबीआई गलत का साथ नहीं देती है, साथ देती है सही आदमी का। ये सब सही है, सबूत पकड़ रही है, सबूत पकड़े जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक भी सबूत नहीं निकाल पा रहे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं निकाल पा रहे, ये उनका मुद्दा अलग। हमारा मुद्दा जो है वो हमारा ऑपरेटर। एक सेकेंड, सीबीआई अभी कहाँ काम रही है? सारे विपक्षी नेताओं के घर पे सीबीआई ईडी जा रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के एक भी घर में कहीं पे भी किसी भी नेता के यहाँ पे छापे नहीं पड़े। विपक्ष के अगर घर पे छापे मार रही है तो विपक्ष कहीं ना कहीं गलत भी होगा। इस तरीके से तो छापे मार रही है, कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। इनको नहीं वही पकड़ ले जाए? हमारे कंपनी के योगवीर सिंह योगी जी ने कितने जाल बिछा रखे, गुंडे भेजे, पुलिस भेजी और मारने लेके भेजा, क्यों नहीं पकड़ पाए? यहाँ तक फिर भी आ गए। 1000 लड़के तैयार हुए थे, 100 आ पाए यहाँ पे, इतने रोक लिए उन्होंने। तो कौन उनको संरक्षण दे रहा है? संरक्षण पैसा बल चल रहा है उनका, पैसा पैदा कर रखा है। कोई तो नेता, कोई तो पार्टी उसको कोई नहीं सहयोग दे रहा है, नेता नहीं दे रहा, उनका पैसा चल रहा है, वो पैसे के बल पर चल रहे हैं। वो दिल्ली सरकार से आप लोगों ने कंप्लेन की इस बात? दिल्ली सरकार से नहीं किया, मेरी तो गृह मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से यही अपील है, इन बच्चों को न्याय मिले। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग 5 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठेंगे सारे बच्चे। कहाँ पे बैठेंगे? मंत्र में। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं हो जाए, न्याय नहीं मिलेगा, मर जाए जैसे वहाँ मर रहे थे, यहाँ मर जाएंगे। कोई ऐसा इच्छा तो है मर ही जाए, क्योंकि ऐसे मर मर के जीने से अच्छा तो एक बार में मर ही जाए। कहाँ से लोग रोज भटकेंगे? किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, इनके घर में रोटी नहीं मिल रही, ब्याज के पैसे के लिए तकादा करने आ रहे हैं लोग, घर पे कर्जा हो चुका है सब लोगों पर, ना तो यहाँ पे ड्यूटी मिल रही है ना रोजगार। नहीं सुनी जा रही आप लोगों की बात? इधर एक तरफ जब सरकार कहती है कि हम मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो आप लोग क्यों इस तरीके से रोड पे? हम इस मुद्दे को सरकार से जोड़ना ही नहीं चाहते, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ना चाहते हैं हम तो। राजनीतिक पार्टी से कुछ हुआ है क्या? सरकार ही करेगी ना आप लोगों का भला? सरकार तो करेगी भला, लेकिन हमारी जो मांग है वो केंद्रीय सरकार से है ना, हमारी तो केंद्र सरकार से है। सरकार की बात में कह रही हूँ। हमने चिट्ठियाँ भी लिखी हुई है, बहुत सारी चिट्ठी गई हुई है हमारे को, हमारी चिट्ठियाँ गई हुई है अमित शाह जी के पास। लगातार यहाँ पे मनरेगा के मजदूर हैं धरने पे, लगभग 75 दिन से है, और उधर पे जवान भी लगभग 70-75 दिन से वो लोग भी हैं। इधर देखिए कि बीजेपी के ब्रिज मोहन सिंह है, वो इन लोगों पे, जो महिला बॉक्सर जो है उन पे शोषण करते हैं। तो क्या लगता है लगातार इतने लोग धरने पे, सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार अच्छा तो काम कर रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बना दिया नहीं, हिंदू राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर धर्म बच रहा है? नहीं नहीं, हम ना राम मंदिर पर कुछ बोलेंगे, ना हम मस्जिद पर कुछ बोलेंगे। राम मंदिर पे देखो, राम मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, वो उनका मुद्दा है, हम लोगों का मुद्दा जो हम आज लेके आए। धर्म के लिए आप लोग कुछ कुर्बानी तो दीजिए। धर्म के लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, हम ये, अगर ये भाई अगर हमारा एक शहीद होगा तो हम सब शहीद हो जाएंगे यहीं पे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम अपने लड़ाई राम मंदिर चाहिए या रोजगार? रोजगार रोजगार भी चाहिए, राम मंदिर भी चाहिए, मैडम दोनों चीज चाहिए हमें। राम मंदिर में कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी हमें दोनों चीज चाहिए। राम मंदिर भी, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, बीजेपी सरकार आ गई, राम मंदिर बन गया, केजरीवाल ने चोरी कर ली, केजरीवाल पकड़ा भी गए, जो नेता उनके जेल में है, जो नेता जेल में, बातों घुमा रहे हो, जो हमारा मकसद है, तो मैं पूछ रही हूं कब तक लग रहा है पूरा? आप वहां जाइए ना, कब तक पूरा होगा? आपके मकसद पे आते कब तक पूरा होगा? जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ तक बैठे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे जब तक हमारी जीत। अभी तो आप जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। कौन कह रहा है? कब तक रहेंगे? चले जाएंगे हम अनिश्चितकालीन टाइम तक, जब तक आज हम जा रहे हैं और 5 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सारे भाई हाथ उठाओ, बैठेंगे हड़ताल पे, बैठेंगे तब तक हटेंगे नहीं। हटेंगे नहीं, दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी है, अगर बीजेपी होती हमें पूरी पूरी भरोसा था, यहाँ पे कार्रवाई हो चुकी होती है। जैसे कि यूपी में योगीनाथ ने
अतीक अहमद को उड़ा दिया गया है, सारे उसके उसके सपोर्ट में है आप, अतीक अहमद को उड़ा दिया गया इसके सपोर्ट में, उसका हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने मुद्दे के लिए आए हैं। राम राज चल रहा है यूपी में, हाँ जी उससे खुश है आप, ऐसा ही गुंडों को मारना चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं, कानून के थ्रू ही तो मारा गया, कानून के थ्रू नहीं मारा, कानून के थ्रू मारा गया, बताइए ये मुद्दा क्या है हमारा। मैडम जो हमारा मुद्दा है ना, हम उस मुद्दे पे बात करना चाहते, इससे अलग कोई भी मुद्दा हमारे इस मुद्दे के बीच में नहीं आना चाहिए। हमारे को बुला लिए, डिबेट कर लेंगे, बाद में आते हैं इसके लिए बात कर लेंगे। चलिए देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं मजबूरी में, लोग पैसे दे के सोचते हैं कि कुछ नहीं से कुछ सही, कुछ तो रोजगार मिल रहा है, इस तरीके से ये लोग किसी एक कंसल्टेंट को कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं और नौकरी में आते हैं। ये हर विभाग में, मेडिकल से लेके रेलवे से लेके हर विभाग में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लोग जिस तरीके से धरने पे हैं, इन लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी, इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।